अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोदी। नाज़रीन, आज कुछ अर्सा पहले हमने आपको अली इकबाल साहब की एक खूबसूरत आवाज़ में अजान सुनवाई थी। पहले हमने आपको अली इकबाल साहब की मदनी तर्ज में जो अजान सुनवाई थी, उस इंटरनेशनल मीडिया पर इनको पज़ीराई मिली है और इंटरनेशनल मौज़ून के तौर पर जाने जाते हैं। तो आज इनका एक और टैलेंट, मक्की लहजे में भी अजान दे सकते हैं और बिल्कुल उसी तर्ज में अजान देते हैं जिस तर्ज पर मक्का शरीफ में मौजूद मौज़ून साहब देते हैं। आज हम इनसे मक्की लहजे में अजान सुनेंगे और अपनी समातों को अजान मक्का से फैज़याब करेंगे। जी, पहले आपको मदनी सुनाई थी, अब आपको मक्की सुनाऊंगा। जी सुभानअल्लाह, लोग जो है ना वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं प्रैक्टिस करते करते एक लहजे में अजान देते हैं। आपने माशाल्लाह दूसरा लहजा मदनी और उसके बाद फिर मक्की लहजा भी जो है ना वो इतने खूबसूरती से अजान देते हैं कि सुनने वाला जो है ना वो मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ाओं में पहुँच जाता है। तो ये एक नहीं बल्कि दो दो लहजों में अजान देना, तो ये कितना मुश्किल काम है? ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बचपन से ही मुझे शौक़ था। अगर बंदा बचपन से ही ये प्रैक्टिस करे, इसकी मशक करे, तो ये इंशाल्लाह बंदा सीख सकता है। अल्लाह की मदद साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। हमारे माशरे में म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स और म्यूज़िक के मुकाबले मुनक़िद करवाने की बजाय अगर अजान और किरत के मुकाबले करवाए जाएं, तो यकीनन ये हमारी नौजवान नस्ल को इस्लाम की तरफ राग़िब करने का एक बेहतरीन इकदाम होगा। अगर आपके पास भी कोई यूनिक टैलेंट, कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, तो हमारे वाइस पोर्टल के फेसबुक पेज पर हमसे ज़रूर रब्ता करें। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोदी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।